हाय गाइस, अंग्रेजी जुबान के एक लफ्ज़ हैं आर्कियोलॉजी। अगर डिक्शनरी से आप इसका मतलब जानने की कोशिश करें, सो इट इज़ डिफाइंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर फिजिकल रिमेन्स। वुड यू बिलीव दिस वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू इन लाइफ, लेकिन फिर वही हुआ ट्रेंड फॉलोइंग। यू नो, जो बाकी लोग कर रहे थे मैंने भी वही करना शुरू किया। बट एट लीस्ट टूडे थ्रू यूट्यूब आई एम हियर, और कम अज़ कम मैं वो काम कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, जो कि मैं अंदर से करना चाहता था, दैट आई वॉज पैशनेट अबाउट। सो इट्स सच अ गुड एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। बिहाइंड मी देयर दैट इज तख्त भाई, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट व्यू ऑफ दिस एरिया। अच्छा भाई, यहाँ पे आए किस तरह, मुलाहिज़ा फरमाएं। The actual name of this site is not Takht Bhai, जिसको लोग अक्सर mispronounce करते हैं। This is not Takht Bhai, this is तख्ते बाही। तख्त means ऊपर की जगह, बैठने की जगह, और बाही का मतलब होता है चश्मे या कुएं। यहाँ के locals ये भी कहते हैं कि इस जगह का नाम तख्ते बाही पड़ने की वजह सिर्फ इतनी है कि इस पहाड़ी सिलसिले पे एक वक्त में शायद एक या दो कुएं होते थे, सो दैट्स द रीजन कि इसका नेम पड़ गया तख्ते बाही। गाइस, गंधारा तहजीब के जितने रुइंस हैं, जितने खंडरात आपको मिलेंगे, तो उनमें सबसे वेल प्रिजर्व्ड जो खंडरात हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तख्ते बाही। सो तख्ते बाही, आप लोग अगर आना चाहें, वैसे जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से हैं उनको तो बखूबी मालूम होगा कि मर्दान कहाँ पे हैं और तख्ते बाही कहाँ पे हैं, लेकिन अगर आप लोग बाहर से आना चाह रहे हैं तो तख्ते बाही, इसका जो टोटल डिस्टेंस है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जेब में कागज़ मैंने रखा हुआ है जिसमें ये कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने अपने साथ रखी हुई हैं।
So Peshawar ka agar hum distance malum kare, so Peshawar se Takht-e-Bahi takriban 82 kilometers hain. Agar Mardan se Takht-e-Bahi ke faasle ka andaaza lagayein, so this is about 15 kilometers. And if you're coming from Islamabad, so Islamabad se Takht-e-Bahi ka distance is about 156 kilometers. It's not that distant. Agar aap log aana chahte hain, you guys can visit this place. I mean, there are a number of things to explore. It's amazing. गाइस अगर गंधारा तहजीब की बात करें तो गंधारा तहजीब का जो रिलीजन था वो पैरोकार थे एक्चुअली बुद्धा के और जिनकी वजह से जिनकी तालीमात की वजह से बुद्धमत मज़हब ने जन्म लिया तो ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी दरियाए स्वात और दरियाए काबुल के किनारे और अगर हम मौजूदा दौर के एतबार से बात करें तो पाकिस्तान जो नॉर्दर्न पाकिस्तान है और ईस्टर्न अफगानिस्तान ये वो जगह हैं जहाँ पे ये लोग मुकीम थे और जिस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले दौर में दरिया के किनारे यूजुअली रहने को प्रेफर इस वजह से किया जाता था ताकि अपने माल मवेशी खेती बाड़ी वगैरह और अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी का इंतज़ाम उसको मुमकिन बनाया जा सके सो दैट वॉज द रीज़न कि ये लोग दरियाए काबल और दरियाए स्वात के किनारे आबाद थे बट दिस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री यानी कि बुद्ध मत की जो खानका है Takht-e-Bahi ये समंदर सॉरी दरिया से कुछ फासले पे थी तो उस वजह से दरियाए स्वात से यहाँ तक एक नहर खोदी गई थी जिसकी वजह से ये इलाका सरसब्ज और शादाब है यहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते थे और अपने माल मवेशी वगैरह या जो डोमेस्टिक यूज़ होता है पानी का तो उस तरह से उन्होंने इसको मुमकिन बनाया था व्हेन बुद्धा पास्ड अवे तो उनके जो एशेस थे उसे तकसीम कर दिया गया 7 बादशाहों के माबैन तो उनमें बांटने के बाद वो 7 बादशाह फैल गए इस खत्ते में और वही राख लेके वो मुख्तलिफ जगहों में फैलने के बाद उन्होंने उनकी याद में मेमोरियल यादगार इमारतें तामीर की जिन्हें स्टूपास के नाम से जाना जाता है स्टूपास एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो कि गुम्बद ही होता है गुम्बद की शक्ल में होता है and which is surrounded by a number of chambers or chote chote is tarah ke room hai इस तहजीब को इस सल्तनत को जिन जिन जगहों से रूल किया गया उनमें जो नुमाया बहुत नुमाया जगह हैं उनमें एक है चारसद्दा एक है टैक्सला और एक है पेशावर और अगर तारीखी एतबार से बात करें तो पेशावर हमेशा से गंधारा तहजीब में एक दिल की मानिंद रहा है इट वॉज एक्चुअली अ सेंटर ऑफ गंधारा तहजीब जहाँ से फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर क्वाइट सो लॉन्ग गंधारा तहजीब को रूल किया गया You know, these places could have been the worship places of monks. और अगर आप लोग देख सकते हैं
up there. I'm sure I can show you that. So ये properly designed जगह थी जहाँ पे monks उस दौर के इबादतें करते थे, सबसे अलग थलग होके, और उनके लिए ये एक मुनासिब जगह होती थी जिसमें बाकायदा वेंटिलेशन का और लाइटिंग का भी इंतजाम होता था। यहाँ पे दरसो तदरीस का भी रिवाज था, और खासतौर पे अगर हम इस मॉनेस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी मंक्स यूजुअली पढ़ाई करते थे, यहाँ पे अपनी इबादतें किया करते थे। सो यू नो इन ऑल द टाइम्स अगर इंसान को दर्श न दिया जाए, उसको सीधा रास्ता ना दिखाया जाए, तो फिर वो तबाही करता है। वो लोगों के शहर, लोगों के गांव, लोगों के घर, सारी चीज़ों को तबाह कर देता है। सो इस वजह से उस दौर से अभी तक, बल्कि हर दौर की हम बात करें, तो इंसान को टीचिंग या प्रीचिंग ज़रूर दी गई है ताकि वो सीधे रास्ते पर रहे और भटक ना सके। अगर हम थोड़ा बहुत ना बुद्ध मत मज़हब को पढ़ें या बुद्ध की तालीमात को पढ़ें, सो उसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट थी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था और फोकस रहा, और जिसकी अक्स या जिसकी झलक हमें अपने मज़हब में भी नज़र आती, और वो थी दुनिया से या मादी चीज़ों से कम मोहब्बत रखना। जितने सारे लोग अगर मादी चीज़ों में अपने लिए सुकून तलाश करते हैं, मादी चीज़ों में अपने लिए ज़िंदगी तलाश करते हैं, सो दिस इज़ सच अ बैड डू, क्योंकि मादा हमें कुछ दे नहीं सकता। अगर हमने सही मानों में सुकून ढूंढना है, अगर हमने सही मानों में खुशी तलाश करनी है, तो खुशी का ताल्लुक यहाँ इधर से होता है, अंदर से। और अंदर दरअसल होती हैं हमारी नरम फीलिंग्स, सॉफ्ट फीलिंग्स, इंसानों के लिए, रब के लिए, जगहों के लिए, कुदरत के लिए। तो सुकून अगर आपने मादे में तलाश करना है, सो दिस इज सो वेरी मच इम्प्रैक्टिकल। सुकून आपके अंदर है, लुक फॉर इट। यहाँ पे चढ़ने और उतरने दोनों केसेस के लिए आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, और अगर खास तौर पे आप कोई वीडियो बनाने का इरादा रखते हैं तो ऊपर चढ़ने के बाद एटलीस्ट एक 20 या 30 मिनट्स टू रिलैक्स, राइट। अच्छा, यहाँ पे आते हुए मर्दान तक रास्ता, या इवन जो स्वाद रोड है वहाँ तक भी रास्ता अच्छा है, लेकिन जो तख्तबाही के लिए या तख्तबाही के लिए जो रास्ता मुड़ता है, सो वो इतना अच्छा नहीं है। एक तो मुझे मालूम नहीं है भाई, यहाँ पे लोगों को, लोकल्स को, या हर जगह पे जो आबादियां होती हैं शहरों से हट के, उनको मालूम नहीं है क्या चस्का चढ़ा होता है जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर बनाने का। प्लस द रोड वाज नॉट फाइन, खासतौर पे तख्तबाही बाजार से अगर गुजर के आप यहाँ तक आते हैं, सो इट वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन। सो ये एक चैलेंज आपको हो सकता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर वेरी मच फाइन। बाकी टिकट, पार्किंग फीस, मेक श्योर कि ये चीज़ें आप टाइम पे दे दें ताकि आपको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो। और प्लस एनदर बैड थिंग के तख्तबाही खंडरात जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो कि पब्लिक के लिए बंद हैं। अब शायद वहाँ पे मजीद एक्सकेवेशन जारी है, या शायद उनको डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया है पब्लिक के लिए, विजिटर्स के लिए। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न। प्लस एक चीज़ जिसको ख़ास तौर पर देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, वो चैम्बर या एक टनल की शक्ल में अंडरग्राउंड चैम्बर्स थे खानकाहें या इबादतगाहें, जहाँ पे मंक्स उस दौर में इबादतें करते थे। तो दैट इज़ क्लोज फॉर पब्लिक, सो दिस इज़ बैड फॉर मी, रियली बैड फॉर मी। यार मुझे एक गंधारा दौर के मच्छर ने काट लिया यहाँ पे, सो थोड़ा अंदर से गंधारा फील कर रहा हूँ, इट्स नॉट गुड। गाइस यहाँ पे आते हुए या यहाँ से जाते हुए अगर आपको भूख लग जाए, तो तख्तबाही या तख्तबाही, व्हाटएवर, हम लोग भाई तख्तबाही कहने के साथ आदी हैं,
तो वहाँ पे कबाब मिलते हैं, बहुत लजीज किस्म के कबाब मिलते हैं, आप लोग खाएं आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ट्रस्ट मी आई कैन गारंटी यू दैट। Guys, so let's wind up this video. If you love history, if you want to explore history, so this is the best place for you. जिस तरह से मैंने वीडियो में कहा कि भाई this is a well preserved Buddhist monastery, तो जिस तरह से ये well preserved हैं, I wish कि ये well preserved रहें. और इसमें हमारा contribution क्या हो सकता है कि हम जब यहाँ पे आएँ तो थोड़ा सा इसका background जान के आएँ. और last but not the least, यहाँ पे सफाई का खास तौर पर ख्याल रखें. और जो जो काम करने की जो जो चीज़ें करना यहाँ पे उनकी मानियत है, सो उनको अवॉइड करें. गाइज, वैसे ये वक्त कितनी एक अजीब चीज़ है. आज से कई सौ बरस, कई सौ साल पहले जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ पे आबाद थे, आज हम उनके खंडरात देखने के लिए आए. सो मे बी आफ्टर सो मेनी सेंचुरीज डाउन द लाइन, शायद उस दौर के लोग इसी तरह से यू नो हमारे जो घर होंगे, जो हमारे शहर होंगे, उनको खंडरात की तरह या खंडरात के तौर पर ले के देखने के लिए आएंगे. सो दिस इज़ व्हाट टाइम इज़ ऑल अबाउट. टाइम चेंजेस एवरीथिंग.